तरासी पर बबलू की कहानी। ये देखें आप, इसमें से बबलू कौन सा है जरा ढूंढे तो सही। है भाई, कौन नजर आ रहा है? ये छोटा सा बच्चा जो खड़ा, ये बबलू है? नहीं, ये बबलू नहीं है। अब जरा आप पढ़ते जाइए, फिर आपको पता चलेगा कि बबलू है कौन। चलिए आइए सफा नंबर 83 पर बबलू की कहानी। प्यारे बच्चों, बबलू की कहानी एक आप बीती है। आप पिछली जमात में जुबान की आप बीती पढ़ चुके हैं। आप बीती ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें किरदार खुद अपने आप पर गुजरने वाला वाक्या सुनाता है। मिसाल के तौर पर मेरे साथ कोई काम हुआ है, जैसे मैं कहीं सफ़र पे गई हूँ और वो मैं आपको सुनाती हूँ, तो उसका मतलब हुआ वो आप बीती है। मैं अपनी ज़बान से वो बातें बता रही हूँ आपको जो मेरे साथ गुजरी। इसी तरीके से आप कहीं पे गए या आपके साथ कोई एक अच्छा सा वाक़या हुआ या कोई भी ऐसी बात हुई जो आप मुझे अपने तौर पर सुना रहे हैं और अपनी ज़बान से सुना रहे हैं, तो वो आप बीती कहलाती है। बबलू की कहानी को पूरी तवज्जो से पढ़िए। मेरा नाम बबलू है। आप में से बहुत से बच्चे मुझे जानते हैं और कुछ तो मुझसे मिल भी चुके हैं। आइए मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं बहुत छोटा सा था तो बड़े मज़े से अपनी अम्मी अब्बू के साथ रहता था। मेरे दो छोटे छोटे भाई भी हमारे साथ रहते थे। हमारा घर बहुत खूबसूरत जगह पर था। वहाँ ऊंचे ऊंचे सरसब्ज पहाड़ थे। पहाड़ों के दरमियान एक घना जंगल था और उस जंगल में हमारा घर था। मेरी अम्मी सारा दिन मुझे गोद में उठाए फिरती थी। अब्बू भी खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें लाते। खूब मज़े से ज़िंदगी बसर हो रही थी। फिर हम में कुछ बड़े हुए तो तीनों भाई मिलकर खूब खेलते फिर हम कुछ बड़े हुए तो तीनों भाई मिलकर खूब खेलते, दरख्तों पर झूला झूलते, मज़े मज़े के फल खाते। अम्मी हमें समझाती कि दूर मत जाना, ऐसा ना हो कोई जानवर तुम्हें नुकसान पहुंचाए, कोई तुम्हें अगवा ना करके ले जाए। हम तीनों अपनी अम्मी का बहुत कहना मानते थे और उनकी हिदायत पर अमल करते थे। मगर मेरा मंझला भाई, जिसे हम प्यार से टिंकू कहते थे। देखिए बच्चों, मंझला क्या होता है? जो छोटे और बड़े के दरमियान वाला होता है वो मंझला कहलाता है। मंझला भाई यानी कि जैसे आपका एक भाई है वो 7 क्लास में और एक 5 क्लास में है और एक 3 क्लास में, तो जो 5 क्लास वाला बच्चा होगा वो मंझला भाई कहलाएगा। ठीक है, यानी कि कौन सा हुआ? दरमियान वाला, जिनकी 5 क्लास में यकीनन वो आपसे छोटा हो, बड़े वाले से छोटा होगा और छोटे वाले से बड़ा होगा, तो वो मंझला कहलाएगा। बड़ा ही शरीर था वो। कभी कभार हमें इस हद से आगे चलने को कहता जिससे आगे जाने की अम्मी ने मना किया था। बच्चों ऐसा होता है ना कि आपको भी अम्मी एक हद बता देती हैं कि बस यहाँ यहाँ साइकिल चलाना और इससे आगे मत जाना। ऐसा होता है ना गली के अंदर, बाज़ दफ़ा बच्चे लड़के या लड़कियाँ भी खेल रही होती हैं कि बस इस ग्राउंड के अंदर अंदर या इस गली के अंदर अंदर आपने खेलना है, इससे आगे मत जाना। तो ये हद होती है जो आपको अम्मी बताती हैं, यानी कि आपको ये कहती हैं कि बस जो मेरी नज़र के सामने सामने जगह है वहीं पर रहिए और इससे दूर नहीं जाइएगा। एक दिन हम मज़े से पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे। पकड़न पकड़ाई खेलना क्या होता है बच्चों, पता है ना? कितने मज़े से खेलते हैं हम सब, बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं। बाज़ दफ़ा जब पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो आमतौर पे ही बच्चे खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? एक भाग रहा होता है, पीछे से दूसरा पकड़ रहा होता है, तो ये होता है पकड़न पकड़ाई। कि अचानक हमें एक सफ़ेद रंग का खरगोश दिखाई दिया। वो बहुत प्यारा था, बिल्कुल सफ़ेद रुई के गाले की तरह नरम। देखिए बच्चों, ये मुतशाबे कहलाते हैं अल्फाज, ऐसे जो हम किसी को तशबीह देते हैं। वो रुई के गाले की तरह तो नहीं था, लेकिन वो रुई के गाले की तरह सफ़ेद ज़रूर था।
इसलिए मिसाल दी गई है कि वो खरगोश जो था वो बिल्कुल सफ़ेद, इतना सफ़ेद था जैसे कोई रुई का गाला। वो बड़ा खुश भी दिखाई दे रहा था। बच्चों जब खरगोश खुश होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपने देखे कभी खरगोश उछलते कूदते हैं, खूब ज़ोर ज़ोर की छलांगे लगाते हैं, वो खुश अपने आप को खुश दिखाई देते हैं। अच्छा बच्चों, अब आइए आप सफ़ा नंबर 84 पर आइए। उसकी आंखें सब्ज थी। अच्छा ये तो भाई किताब है ना, अब किताब में तो कुछ भी लिखा हो सकता है कि सब्ज भी हो सकती हैं आंखें, लेकिन आम तौर पर खरगोशों की आंखें लाल होती हैं, बहुत ज़्यादा लाल अंगारे जैसी होती हैं। तो उसकी आंखें लेकिन सब्ज थी। वो फुदक कर चलते हुए और भी प्यारा लग रहा था। फुदक कर चलना क्या होता है बच्चों, एक जो आम तौर पर जब हमारी चाल होती है उससे हटकर जब कोई उछल उछल के बच्चा चल रहा होता है तो हम कहते हैं फुदक फुदक के चल रहा है। जैसे मेंढक देखा है आप लोगों ने, मेंढक कैसा होता है, फुदकता है ना ऐसे करके ऊपर उछलता है। अच्छा टिंकू ने जो उसे देखा तो पकड़ना चाहा। फिर बच्चों एक बात बताऊं आपको कि यहाँ पर एक तो भाई का नाम टिंकू है और दूसरे का भी पता चल जाता है, हम दोनों में और टिल्लू भाई भी इसके पीछे दौड़े। एक एक जो है वो भाई का नाम क्या है, टिंकू है, और दूसरे का टिल्लू है। खरगोश झाड़ियों में कहीं छुप गया। देखिए अम्मी ने मना किया था कि जाना नहीं है आगे, लेकिन क्या हुआ कि वो भागते भागते कहाँ पहुँच गए, झाड़ियों के पास। हमने बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिला। टिंकू ने कहा अरे जाएगा कहाँ, यहीं कहीं होगा। टिल्लू भाई आप पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखिए और बबलू तुम सड़क की तरफ जाकर तलाश करो, मैं जंगल में उसे ढूंढता हूँ। मुझे सड़क की तरफ जाते हुए कुछ खौफ महसूस हो रहा था मगर खरगोश इतना प्यारा था कि उसे हासिल करने के लिए मुझे सड़क की तरफ आना ही पड़ा। मैं तेज़ दौड़ता हुआ सड़क पर पहुंचा। मेरी सांस फूली हुई थी। मैं इधर उधर देख रहा था कि अचानक रस्सी का एक फंदा मेरे पाँव में फंसा और कुछ लोगों ने मुझे अगवा करके जीप में डाल लिया। मैं बहुत चीखा, बहुत रोया, उन लोगों से फरियाद की खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे घर वाले मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे, मेरी तौबा, आइंदा कभी इस तरफ ना आऊँगा। मगर वो मुझे देख कर हंस रहे थे। देखा बच्चों अम्मी का कहना ना मानने का अंजाम क्या हुआ है ना, कितना मुश्किल हो गया। शायद मेरी ज़ुबान नहीं समझते थे। जब मैंने रिहाई की सारी कोशिशें कर डाली और देखा कि इन पर किसी बात का कुछ असर नहीं हो रहा तो चुपचाप एक कोने में बैठ गया। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई और जब आँख खुली तो मैं कैद में था। मुझे जिस कमरे में रखा गया था इसमें लोहे की सलाखें लगी हुई थी और बाहर जाने का कोई रास्ता ना था। वहाँ मुझे जैसे और भी बच्चे थे। अच्छा उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा, खाना खिलाया और कहा अब तुम्हें यहीं रहना है, यही हमारा घर है, तुम हम सबसे दोस्ती कर लो, सब मिलजुल कर रहेंगे। फिर मैंने ऐसा ही किया और उस दिन से आज तक मैं इसी कैद में हूँ। अब तो मैंने इस कैद से समझौता कर लिया है, यानी कि जो वो बंद हो गया वहाँ पे जाके उससे उसने समझौता कर लिया। आप जैसे नन्हे बच्चे जब मुझसे मिलने आते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ। कुछ बच्चे मेरे लिए तोहफे भी लेकर आते हैं जैसे केले, पॉपकॉर्न, मूंगफली वगैरह। कुछ लोग मुझे बहुत तंग करते हैं, पत्थर तक मारते हैं। इस वक्त मुझे बहुत अफसोस होता है प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों ये आप आ जाइए सफ़ा नंबर 85 पर। प्यारे बच्चों मैं भी अल्लाह की एक मखलूक हूँ, मुझसे प्यार किया करें और मुझे तंग ना किया करें। अच्छा ये बताइए आपने मुझे पहचान लिया ना, आप सब ने पहचान लिया बच्चों। जी हाँ ये एक बंदर है, अगर नहीं तो पहली फुर्सत में चिड़ियाघर की सैर कीजिए। सबसे ज़्यादा बच्चों की भीड़ जिस पिंजरे के पास होगी, मैं या मेरा कोई और साथी वहीं होगा। हम आपको उछलते कूदते और झूला झूलते मिलेंगे। अब तो समझ गए ना मैं कौन हूँ। हाँ भाई ये एक बंदर था और ये बंदर अपनी आप बीती सुना रहा था कि किस तरह उसने अपनी अम्मी का कहना नहीं माना और वो उसको जंगल में से लोग पकड़ कर लेकर आ गए और फिर उसको लोहे की सलाखों के पीछे बंद कर दिया।
और फिर क्या किया, फिर वहाँ पे बंद करके चिड़ियाघर में भी ले गए, और फिर वहाँ पर सब उसको लोग मिलने आते हैं, बच्चे खेलते हैं उनसे आके, कुछ लोग पत्थर भी मारते हैं। कितनी बुरी बात होती है ना बच्चों, आप लोग तो नहीं करते ना ऐसे, आप लोग केले लेके जाया करें, पॉपकॉर्न खिला दिया करें, बड़े शौक से खाते हैं बंदर। अच्छा भाई, अब हम इसकी थोड़े से अल्फाज मायने भी आपको समझा देते हैं, सिर्फ समझाने के हद तक है बच्चों ये, आपको मैं बता नहीं रही हूँ कि इसमें से कौन से मैं दूंगी और कौन से नहीं दूंगी। जो मुश्किल इसके अल्फाज मायने हैं चैप्टर के, इस सबक के, वो बताती हूँ। मैंने आपको शुरू में एक बताया कि मंझला था, और मंझला क्या होता है, दरमियाना, बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा। जैसे मैंने बताया था कि 5 क्लास वाला भाई, यानी कि जो 7 क्लास से छोटा है और 3 क्लास से बड़ा है। गाला, धुनकी हुई रुई का नरम टुकड़ा। मैंने आपको बताया ना, रुई के गाले की तरह, तो धुनकी हुई रुई होती है जो लिहाफों वगैरह में डलती है, उसका नरम टुकड़ा। फंदा, जाल। भीड़, हुजूम, भीड़ कहते हैं ना, बहुत भीड़ हो रही थी, और आजकल तो सबको कहा जाता है कि हुजूम से बचिए, भीड़ से बचिए, तो भीड़ और हुजूम एक ही अल्फाज है। समझौता, किसी बात के लिए राजी हो जाना। मखलूक, पैदा किया गया हुआ, बनाया हुआ, अल्लाह ताला की बनाई हुई शय। जैसे हम भी इंसान हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं। समझौता होता है किसी बात के लिए राजी हो जाना। अच्छा ये बच्चों देखें, बबलू कौन है, बबलू के भाइयों के नाम बताइए। बबलू कौन है, बबलू एक बंदर है, और बबलू के भाइयों के नाम क्या थे, बबलू के भाइयों के नाम